वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है टेक लवर। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एक एम्पलीफायर जो है TPA3116D2 एम्पलीफायर। ये ड्यूल चैनल क्लास डी का एम्पलीफायर है। इसको आप 24 वोल्ट से लेकर 30 से 35 वोल्ट तक चला सकते हैं। 24 वोल्ट में ये मतलब RMS पावर, मैक्सिमम पावर मतलब RMS जो है पावर वो नहीं देगा, लेकिन 30 वोल्ट पर ये RMS पावर जो है इसकी 50 वाट × 2 चैनल 100 वाट का ये एम्पलीफायर है। देख सकते हैं ये मेड इन चाइना है और इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है। और इसका हम पैकेट खोल के देखते हैं। जैसे कि हमने पैकेट सब खोल दिया, देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी पीसी की क्वालिटी है, मेडिसिन भी अच्छी है। इसमें दो तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं ऑडियो का, एक कनेक्टर के थ्रू और एक 3.5 mm स्टीरियो है। पीसीबी क्वालिटी अच्छी है, रेड मास्किंग है, कैपेसिटर 1000 μF 35 वोल्ट्स के हैं, दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। और इसमें आप इसको कनेक्टर्स भी देख सकते हैं। इसके साथ इसका वॉल्यूम नॉब, वॉशर एंड नट्स मिला है और चार स्टैंड ऑफ भी हैं। इसका वॉल्यूम नॉब देख सकते हैं, इसके अंदर इनबिल्ट स्विच है। जैसे कि आपको अगर इस एम्पलीफायर को नहीं चलाना है तो आप स्विच ऑफ कर दीजिए, मतलब पोटेंशियोमीटर के अंदर स्विच लगा हुआ है तो उससे ये एम्पलीफायर ऑफ हो जाएगा। और ऑन करने के लिए फिर उसे स्विच को राइट साइड घुमा दीजिए तो ये ऑन हो जाएगा। इसमें ब्लू कलर की एक इंडिकेटर दी हुई है, आप जैसे देख सकते हैं 1000 μF 35 वोल्ट। हीट सिंक ब्लू की गई हुई है, बहुत अच्छी है एम्पलीफायर। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, मेड इन चाइना है। इसके टर्मिनल स्क्रू करने में इसलिए अच्छे हैं, लेफ्ट साइड में जो है आप देख सकते हैं अलाउड नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, जिस पर जो है वो उसमें भी सी जी ग्राउंड है। और जो दो राइट के हैं वो राइट पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट है, स्टैंड ऑफ है, ब्रास की बनी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।